दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। जल्दी हमें बैक टू बैक एसएमई आईपीओ देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार के वीक में हमें जहां पर मेनलाइन आईपीओ देखने को मिल रहे हैं और एक साथ सेम सेक्टर के दो आईपीओ ओपन होने वाले, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हम आज की इस रिव्यू वीडियो में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और उसी के साथ साथ अभी तक जो पुराने आईपीओ है, राशि फेरिफेरल, एलपैक सोलर, अपीजा सुरेंद्रा, इटालियन एडिबल, इन सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो आज के टाइम पर सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। एटली रिटेल कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट सर्टन है, बट एचएनआई में कन्वर्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिमांड, इट्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट का मूड माहौल कैसा रहता है। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में आगे पता लग जाएगा। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जहां हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने एजुकेशन पर्पस आप लोगों को स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जहाँ आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की डिटेल डिस्कशन में चलते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करूँ, तो आई होप कि जैसा कि आप लोगों को नाम से क्लियर है, इतने ज्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ आ चुके हैं, तो आप लोगों को काम का तो सभी को मालूम ही होगा। फिर भी अगर हम बेसिक स्टडी करने की कोशिश करें, तो जुलाई 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते तो ऑब्वियसली ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी कंपनी होने वाली है, जो प्रोवाइड करती है एमएसएमई लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, लोन टर्म्स टू एनबीएफसी, लोन्स अगेंस्ट एफडी, टू व्हीलर लोन्स एंड गोल्ड लोन्स। और उसी के साथ साथ ये अनसिक्योर लोन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड माइक्रो बिजनेस लोन्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड लोन्स एंड ग्रुप लोन्स को भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जनरली ये बैंक क्लासिफाई करता है अपने लोन्स को इनटू थ्री कैटेगरीज। पहले में आ जाते हैं होम इम्प्रूवमेंट या रिपेयर के लोन्स, सेकंड में आ जाते हैं स्कूल फीस के लिए इंडिविजुअल लोन्स, थर्ड में आ जाते हैं इंडिविजुअल पर्सनल लोन फॉर डेट कंसोलिडेशन, फैमिली फंक्शन, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड बिजनेस पर्पस। तो यहाँ पर जो ये सेक्टर है, या फिर अगर हम बात करते हैं ये बैंकिंग का सेक्टर है, चाहे एनबीएफसी का हो चाहे फिर प्योरली बैंकिंग सेक्टर हो, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर इनके काम में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इनका काम ही ऐसा है कि हर किसी को इनके काम के बारे में डिटेल्ड पता है, और ऐसा काम है कि जो हमें आने वाले टाइम में लगातार चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसी के साथ साथ ये कंपनी अपनी सर्विसेज को डिजिटली प्रोवाइड करती है, जैसे कि मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग हो गया। और अगर हम बात करते हैं जन एसएफबी बैंक के 754 बैंकिंग आउटलेट्स होने वाले हैं अक्रॉस 22 सिटीज एंड 2 यूटीज में, जिनमें से 272 इनकी इंक्लूड होने वाली है रूरल एरियाज में, जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। और इनकी प्रेजेंस जो होने वाली है ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। और उसी के साथ साथ कंपनी के पास ऑलमोस्ट 12 मिलियन कस्टमर्स ने अपनी सर्विसेज ले चुके हैं सिंस 2008, और एज ऑफ 31 मार्च 2023 इनके पास 4.57 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स होने वाले हैं। और 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 18,184 परमानेंट एम्प्लॉइज होने वाले हैं, जो एक अच्छे फिगर्स हो जाते हैं। मतलब कि कंपनी की बेसिक डिटेल में हमें जहां पर या फिर इस बैंक की बेसिक डिटेल में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम सबसे पहले इसके टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 7th ऑफ फेब को जी आई पी ओपन होगा, क्लोज होगा 9th ऑफ फेब को, अलॉटमेंट होगी 12th ऑफ फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 13th ऑफ फेब से, क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में शेयर इफ अलॉटेड 13th ऑफ फेब को, लिस्टिंग डेट होने वाली इसकी टेंटेटिव 14th ऑफ फेब की, यानी फिर से हमारा वैलेंटाइन डे, फेस वैल्यू रहने वाली ₹10 पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 393 से ₹440 का। हमें तो अप्लाई करना है ₹440 यानी कि कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। अगर हमें एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो वहां पर 414 को पंच आउट करना पड़ेगा, कट ऑफ पे टिक मत कीजिएगा। लोट साइज होने वाला है 36 शेयर्स का,
टोटल इशू साइज है 570 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहने वाला है 462 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 108 करोड़ का होने वाला है जो OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी कि यहां पर इसके प्रमोटर्स 108 करोड़ का माल बेचकर निकलने वाले हैं। BSE NSE पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का, HNI में 15% का होने वाला है। लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट 36 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,904 रुपीस की। स्मॉल HNI में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,656 की। बिग HNI में मिनिमम 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,13,472 रुपीस की। किसी भी बास्केट में, किसी भी कैटेगरी में एक लोट या एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये IPO हर कैटेगरी में ओवरसब्सक्राइब होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। यानी कि रिटेल कैटेगरी में एक लोट ही अप्लाई कीजिएगा सिंगल पैन कार्ड से, स्मॉल HNI में 14 लोट से अप्लाई कीजिएगा और बिग HNI में 68 लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होगा। अगर हमें इससे ज्यादा लोट अप्लाई करने हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के अकाउंट से कीजिएगा, वहां पर हमारे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है IPO के मिलने की। प्रमोटर्स में अगर हम बात करते हैं तो जन कैपिटल लिमिटेड एंड जन होल्डिंग लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। इस IPO का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला था, इनकी प्री इशू होल्डिंग ही 25% थी, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है क्योंकि बैंक के पास इसका मेजोरिटी पोर्शन नहीं है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 19,078 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुका है 28,105 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 2720 करोड़ के, नेक्स्ट ईयर 3062 करोड़ के, 2023 में पहुंच चुके थे 3700 करोड़ के और पहले 6 मंथ में 2200 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 72 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में था, 2022 में हमें अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला, 17 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी के पास रह चुका था, बट 2023 में काफी अच्छा बैक बाउंस किया इन्होंने और 255 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। पहले 6 मंथ में 213 करोड़ का प्रॉफिट, अगर हम इस फिगर को मिनिमाइज करते हैं या इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इन्होंने बैक बाउंस किया जाए, जो हमें यहाँ पर फिगर देखने को मिले 2023 और 2024 में, काफी फैंटेस्टिक फिगर होने वाले हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2547 करोड़ के हमें देखने को मिल रही है, रिजर्व एंड सरप्लस में 2225 करोड़ की देखने को मिल रही है, टोटल बोरिंग्स 5313 करोड़ की होने वाली है। बोरोइंग्स का फिगर काफी बड़ा है, जो हमारे लिए इसमें नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल में मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो जो ये 2023 और 2024 का हमें देखने को मिला है, काफी अमेजिंग देखने को मिला है। जहां पर मुझे हल्की सी दिक्कत देखने को मिली है कि जहां पर काफी बड़ा डिक्लाइन था लेकिन काफी अच्छा बाउंस बैक भी किया, तो अच्छे फाइनेंशियल मुझे यहां पर ओवरऑल में देखने को मिल रहे हैं। टोटल बोरिंग्स ऑब्वियसली ज्यादा होने वाली है, बट सेक्टर ऐसा है जहां पर हमें बोरिंग्स देखने को ऑलमोस्ट मिलने वाली है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो इनको वहां पर बैंक्स की फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसकी वजह से ये IPO आ रहा है और बाकी इनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बेनिफिट चाहिए। अब अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 4330 करोड़ की, EPS प्री IPO 27.4 की, पोस्ट IPO 40.77 की, PE प्री IPO 15.11 की, पोस्ट IPO 10.15 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 60.78% की काफी अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 3.49 की काफी ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.40% की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.28 की। अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की तो वहां पर इतनी कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है सिवाय डेट टू इक्विटी रेशियो के, बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर काफी ज्यादा पीयर कंपटीटर्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक 35 का पी, श्रोध्या स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 का पी, क्रेडिट असेस ग्रामीण बैंक 32 का पी, स्पांडा स्फूर्ति 665 का पी, बंधन बैंक 16.87 का, उज्जीवन फाइनेंशियल 10.15 का पी। अगर हम आगे देखते हैं तो वहां पर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 का पी, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 14.68 का पी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 13.51 का पी। अगर हम इस कंपनी की GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका GMP अप्रोक्स चल रहा है 25% का, जो एक डिसेंट हमें देखने को मिल रहा है।
अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, क्योंकि इस आईपीओ रिव्यू में वैल्यूएशन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंपनी की, तो अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा को लेकर चलते हैं और उसके बेस पर वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है जहां पर बैंक ने, जहां पर इस कंपनी ने, जहां पर इस आईपीओ में हमारे लिए एक लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, और यहां पर ये आईपीओ इतना सस्ता नहीं कहूंगा बट महंगा भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हुआ हूँ। और वहीं पर ही अगर हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों आईपीओ में क्या डिफरेंस है। सेक्टर सेम है, काम सेम है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो हमें देखने को मिलेगा हिंट के तौर पर वैल्यूएशन, उसे स्टडी आउट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहां पर हमने इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, यहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके कोई भी एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।